अरे अरे, ये नहीं सुनना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कबाब गेमिंग। वी आर बैक विद अनदर लाइव यूसी गिव अवे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाल दी थी मैक्सिमम ग्रुप्स में, बट अगर आप हमारे ग्रुप्स में ऐड नहीं हो तो आपको पता नहीं चला होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, आई गेस उनको यहाँ पर पता होगा कि हम लोग यहाँ पर सोलो टूर्नामेंट करवा रहे। टूर्नामेंट नहीं, कस्टम कह सकते हो आप। बैक टू बैक यहाँ पर होंगे सोलो वेपन, ऑल वेपन, एंड उसका क्राइटेरिया सेम रहेगा, 6+ से किल मारने वाले में। अगर यहाँ पर पूरा 28 की लॉबी भरती है तो 6+ किल वाले को यहाँ पर मिलेगा। सेवेंटी यूसी गिव अवे होगा हर मैच में। रूम आईडी स्ट्रीम पे ही मिलेगी, एंड सभी से रिक्वेस्ट है इसलिए फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग खेलना चाहते हैं यहाँ पर सभी के साथ शेयर कर दो। एंड रूम आईडी जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर 5-10 मिनट आप लोगों को मिल जाएगी, तब तक मैं जो यहाँ पर है सभी के साथ शेयर कर दूँ ताकि कोई बंदा मिस ना होए। कोई बंदा मिस नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर आज संडे का दिन था आज, क्योंकि कस्टम्स होते नहीं है, नॉर्मल कस्टम लोग नहीं करवाते। आज संडे को यहाँ पर ब्रेक रहता है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा 4-5 सोलो करवाते हैं। हेलो ब्रो, हाउ वी गेट इट इन ग्रुप? ब्रो डिस्कॉर्ड के ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं भाई। डिस्कॉर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हो ब्रो। डिस्कॉर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था। ओके, मैं एक बार लिंक और शेयर, दो ग्रुप यहाँ पर रह चुके हैं एक्चुअली भाई। उन ग्रुप्स में ऐड होने का कोई फायदा नहीं है अभी, वो ग्रुप्स मतलब ये समझ लो कि डेड हो गए हैं। आईडी पास ब्रो दे रहा हूं मैं, 3 मिनट में आईडी पास मिलेगा। आईडी पास 130 में। भाई 4-5 कस्टम रूम बनेंगे लगभग, मतलब 1-1.5 घंटा तो हम लोग कम से कम यहाँ पर रखेंगे रखेंगे। वैनम माई वेलो, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई देखो, अगर जितने जल्दी रूम फुल हो जाएगा उतनी जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पर हमको लगेगा कि बंदे नहीं आ रहे हैं तो उसको फिर हम लोग को ओके। सो रूम में हम लोग जा चुके हैं, एंड आईडी पासवर्ड की अगर हम बात करते हैं, भाई ये रहा आईडी पासवर्ड। गाइस आईडी पासवर्ड ये रहा, एंड प्राइस ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 6+ किल में यहाँ पर 70 यूसी का गिवे होगा, एंड डुओ अगर होता है तो डुओ में 12+ किल वाले का। हाईएस्ट किल होने चाहिए, जैसे अगर किसी के 6 से ज्यादा किल दो बंदों के होते हैं तो जिसके ज्यादा होंगे वो बंदे को मिलेगा, एंड अगर सेम किल होते तो उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से प्राइज मिलेगा। तो गाइस ये रहा रिजल्ट आज का, जो यहाँ पे प्राइज है वो इस प्रकार से है। हाँ सो बैक टू बैक रूम होंगे गाइस यहाँ पर, 4-5 मैच हम लोग एटलीस्ट करवाएंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि 10-10 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं मैच अगर टाइम से शुरू हो जाए तो। गाइस ग्रुप ज्वाइन, स्ट्रीम पे सभी लोग आ जाओ यहाँ पर ताकि सभी को रूम आईडी पासवर्ड टाइम से मिल जाए। अभी पहला रूम है तो मैं इसलिए ग्रुप्स में भी शेयर करता हूँ, जो हमारे ओल्ड ग्रुप थे यहाँ पर उन पे मैं शेयर कर देता हूँ, बट नेक्स्ट से जो होगा वो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीम पे मिलेगा। देखते हैं कितने लोग, 3 लोग जुड़े हैं अभी तक हमारे साथ यहाँ पर।
फटाफट से गाइस स्ट्रीम का लिंक जो है वो शेयर कर दो। अगर लोग ज्यादा नहीं आते तो यार फिर वही बात हो जाएगी, हम लोगों को मैच कैंसिल करना पड़ जाएगा और कुछ नहीं। ओके, 6 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिलहाल। गाइस फटाफट से ज्वाइन कर लो, 10 मिनट का टाइम हम लोग मैक्सिमम देंगे, 10 मिनट में जितने भी लोग आएंगे फिर हम उतने में स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रीम शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। 9 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस कुछ ही लोगों की और जरूरत है हमको एंड फिर बूम बाम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी प्राइस हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है, प्राइस क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। ग्यारह लोग आ चुके हैं हमारे साथ, 28 लोग होते हैं यहाँ पर मैच को स्टार्ट कर देगा। अगर 28 नहीं भी होते तो 20+ में हम लोग मैच को स्टार्ट कर देंगे। 20 में 6-7 किलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे वेदु सर वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, वेदु सर काफी दिनों बाद आए स्ट्रीम पे यार। आज वेदु सर को मॉडरेटर से हटा देता हूँ मैं। हाँ, नहीं सर नहीं हटाएंगे वेदु सर, काफी दिनों बाद लेकिन हमारे साथ आज स्ट्रीम पे जुड़े हैं यार। धीरे धीरे बंदे जुड़ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर। 6 गेयर पर तो ना मिलेगा ना प्राइस, 6 पर नहीं ब्रो, 7 पर मिलेगा, क्योंकि आज उस दिन कम यूसी दे रहे थे, आज 70 यूसी दे रहे हैं। तो 70 यूसी मतलब पर किल का एक तरीके से आप समझ सकते हो, 10 यूसी ये समझ सकते हो आप। तो 7 किल में 70 यूसी ये एक नॉर्मल टारगेट है। देखो इतना कंफर्म है कि कोई भी बंदा 7 से ज्यादा 2 बंदे नहीं मार सकते, इतना तो मेरे को कंफर्म है। 2 लोग मुश्किल ही है कि 28 लोगों में 2 बंदे ऐसे होंगे जो पूरा इस जो लॉबी हो खाली करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो टाई होने के चांस तो बहुत कम। हाईलाइट हाईएस्ट स्किल पर रख दो गौरव भटूरिया ब्रो, हाईएस्ट स्किल पे नहीं रख सकते ना भाई, एक हाईएस्ट स्किल की एक अचीवमेंट है ना। हाईएस्ट स्किल तो ऐसे भाई कोई 4 मार देगा कोई 3 में जीत जाएगा तो फिर उसमें फायदा नहीं है। 6 किल नहीं हुए तो भाई 6+ किल पे है, 7 किल करने हैं आपको, 70 यूसी मिल रही है। अगर इस मैच में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट मैच पे होगा, सेम चीज मैं बोल रहा हूँ ना आपको। मैच बैक टू बैक होंगे, परसों भी जीते थे हमारे यहाँ से, ऐसा नहीं है, परसों भी बंदा जीता था, नाम मैं भूल गया अभी उसका कौन था जीतने वाला, वैग रॉक्स था शायद। हाँ चिकन की कोई जरूरत नहीं गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 7 किल करते हो चिकन का उससे कोई मतलब नहीं है। चिकन आपको मिले ना मिले आपको प्राइस जरूर मिलेगा अगर आपने 6+ किल करे तो, चिकन का कोई रोल नहीं है उसमें। चिकन डिनर में कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, आपको किल्स पे ही पैसा यहाँ पर यूसी मिलेगा। 23 हो चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर, 24 हो चुके हैं भाई, 28 बंदे में ब्रो 7 किल होते हैं भाई, मैंने बहुत बार करी है। अकाउस्टिंग किल ब्रो 5 किल 3-4 बंदे मार जाएंगे, मैं अभी भी गारंटी से बोल सकता हूँ। परसों जो हमने करवाया था उस पे अगर मैं बताऊँ आपको तो 2 बंदों ने 5-5 किल मारे थे, फिर एक बंदे ने 6 किल मारे थे उसके बाद। 28 हो चुके हैं, आई एम पंटम गोडजी। ओके ब्रो 28 हो चुके हैं गाइस, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने को बोल दिया है। ओके देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ यहाँ पर, काफी बंदे दिख तो रहे हैं। रूम एक्चुअली मैंने रूम मेरा रूम कार्ड खत्म हो गया तो मैंने किसी और से बनवाया है। स्टार्ट कर रहे हैं लोधी भैया, रुक जाओ, मैंने स्टार्ट करने को बोल दिया है। ओके स्टार्ट हो चुका है गाइस, लेट्स सी कौन यहाँ पर खेल, हाउ टू ज्वाइन स्वैग गेमर प्रो, रूम आईडी पासवर्ड यहाँ दी हुई थी भाई, अब तो मैच स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मैच के लिए आप लोग रेडी रहिए। बैक टू बैक कस्टम्स होंगे गाइस यहाँ पर, अगर यहाँ पर स्क्वाड का हम करवाते तो स्क्वाड में यहाँ पर 100 यूसी मिलेगा, अगर स्क्वाड में होगा करवाने को तो उसमें 100 यूसी मिलेगा। उसका क्राइटेरिया कुछ और करना पड़ेगा लेकिन हमको, क्योंकि स्क्वाड का लूट भी हमने 2x करी है तो यार देखो बिना गन के तो कोई नहीं मरेगा, इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि बिना गन के कोई बंदा नहीं मरेगा। स्ट्रीम पे जो लोग यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ गाइस लाइक कर दीजिए, घर पे नहीं हूँ मेरे को भी खेलना था। आरटीआर जगदीश ब्रो कोई नहीं, नेक्स्ट मैच में आ जाना भाई, अभी तो पहला ही मैच है, 3-4 मैच और होंगे लगभग।
भाई ऑल वेपन ही बनेगा गाइस, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बड़े मैच में तो मतलब काफी टाइम लग जाएगा। आई वॉन्ट टू प्ले, हाउ टू ज्वाइन स्वैग गेमर प्रो, नेक्स्ट मैच की रूम आईडी आएगी। ओके राहुल, हाँ ठीक है राहुल, ओपी अपना खाता खोल चुके हैं, यहाँ पर 1 किल हो चुका है इनका। ओके तो ल्यूक ने भी यहाँ पर अपना खाता खोल चुका है, 1-1 किल काफी लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। एंड आरएन ने भी यहाँ पर अब 1-1 किल निकाल लिया, देखना होगा सभी फिलहाल 1-1 किल निकाल चुके हैं, कोई यहाँ पर टक्कर में है क्या। भाई आप YouTube पे पैसा कमाते हो? नहीं ब्रो कोई पैसा नहीं मिलता भाई, बहुत कम है। रूम आईडी ब्रो स्वैग गेमर भाई मिलेगी अभी कुछ मिनटों में, ये मैच खत्म होने दो उसके बाद आपको दोबारा मिलेगी रूम आईडी, स्ट्रीम पे ही मिलेगी। स्ट्रीम पे ही मिलेगी रूम आईडी गाइस, जो तो स्ट्रीम पे जुड़ चुके लाइक कर दो। अगर हमको लगेगा कि 2-3 मैच हम देखेंगे, अगर हमको लगेगा कि टारगेट जो है वो अनअचीवेबल है, मतलब कोई भी बंदा 28 में से 1/4 नहीं मार पा रहा है, तो हम उस टारगेट को फिर वो कर लेंगे, चेंज कर देंगे। आरएन यहाँ पर 2 किल करते हुए, एक और किल करते हुए 3 किल यहाँ पर कर चुके आरएन ओपी, 17 किल, 4 किल यहाँ पर इनको और चाहिए, 16 बंदों में से 4 किल मारने यार पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पूरा पूरा चांसेस है यहाँ पर। गंदा मारा भाई, आप एड्स में कर दो फिर पैसा मिलेंगे। भाई एड्स में इतना पैसा कुछ नहीं मिलता है ब्रो, भाई एड्स में इतना पैसा कुछ नहीं मिलता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर बहुत कम पैसा है। टीएस 3 किल यहाँ पर अभी तक अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर आर्यन के पास मौका है निकालने का, फिलहाल 3 किल उन्हीं के हैं। तो फ्रॉस्ट यहाँ पर और 2 किल यहाँ पे ल्यूक के भी हो चुके हैं, 2 किल यहाँ पे टीएस रावण ओपी सर के भी हो चुके, 3 लेकिन किल यहाँ पे आरएन के ओपी स्ट्रीम स्नाइपर वॉल पे स्ट्रीम चला रखी है इसने, सचिन ऊपर। अरे कोई नहीं राहुल ब्रो कोई टेंशन नहीं भाई, देखो अगर कोई स्ट्रीम चला रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी स्ट्रीम देख सकते हो, हम इसमें कुछ वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं है, आप स्ट्रीम स्नाइपिंग इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि यार मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रो, आप देखो अगर आपको लगता है कि यहाँ स्ट्रीम स्नाइपिंग से कोई मार सकता है तो आप गलत हो इसमें, मैं कितना जो किसी बंदे को दिखा रहा हूँ भाई स्ट्रीम, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले ही वो बंदा वो हो जा रहा है। भाई आप क्रॉन्टन को रेड, तो भाई कोई रेड नहीं करता ब्रो, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ गाइस, एंड लाइक कर दो सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ल्यूक के भी 3 किल हो चुके हैं यहाँ पर, भाई कोई ऐसे नहीं करता है यार, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, जो जो नए जुड़े हमारे साथ चैनल पे। अब मैं स्वाद ले रहा हूँ, सही है भाई, छोटे भाई के बदौलत आपको भी मिल रहा है। 3-3 किल कर चुके, 4-4 किल और चाहिए 8 लोगों में से। यहाँ पर गौतम ओबी को फिनिश किया रॉक तरुण ने, तो यहाँ पर आरएन को यहाँ पर थोड़ा सा रस गेम प्ले दिखाना होगा, रस गेम प्ले दिखाना। जितने भी लोग स्ट्रीम पे जुड़े सभी लोग लाइक कर दो। लीजेंड ने मैन को आरएन का यहाँ पर 4th किल होता, 3 किल यहाँ पर और चाहिए इनको, 6 में से अगर यहाँ पर 3 किल मारते हैं तो पूरा मौका है। एक और किल यहाँ पर कर चुके, 2 किल यहाँ पर आरएन को चाहिए। अगर भाई यहाँ पर जैसा मैंने बोला था, लोग बोल रहे थे कि भाई पॉसिबल नहीं है गाइज, मैं आपको वही चीज बता रहा था कि पॉसिबल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 5 किल कर चुके आरएन, 2 किल उनको और करने, यहाँ पर देखना होगा क्या किल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जोन से, फिलहाल तो इनको जोन में बढ़ना है, स्मोक कर रहे जोन में जाने के लिए। 2 किल इनको और चाहिए यहाँ पर, अभी तक इन्हीं के पास सबसे ज्यादा मौका है यहाँ पर कि ये यहाँ पर ले जा सकते हैं, मुझे ले लो स्वैग गेमर नेक्स्ट में आ जाना ब्रो। ल्यूक के भी 4 किल हो चुके, ल्यूक को यहाँ पर 3ों को मारना होगा या आरएन को यहाँ पर 2 मार देंगे, भाई ये बहुत गलत सोच रहे हैं, ल्यूक को फिनिश करेंगे लीजेंड के धीरे जो भी 3 किल यहाँ पर होते हैं। आरएन के पास मौका अगर 1v2 यहाँ पर कर देते हैं तो 7 किल इनके हो जाएंगे, आरएन के पास पूरा पूरा मौका है यहाँ पर। आरएन ओपी क्या यहाँ पर क्लच कर पाएंगे, 1v2 की सिचुएशन है इनके लिए, अगर 2 किल करते, अगर लीजेंड यहाँ पर हैम्प वेम्पायर को फिनिश कर देते तो यार आरएन की जो उम्मीद है वो भी ध्वस्त हो जाएंगी। हैम्प वेम्पायर को स्पॉट करा है या नहीं करा है ये देखना होगा यहाँ पे। आरएन ओपी के पास मौका है यहाँ पे जरूर, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी मैं कहूंगा यहाँ पे खराब सी हो सकती है। लीजेंड धीरे जो भी कंपाउंड में मौजूद है, वेम्पायर ओपन में, यहाँ पे जोन की ओर बढ़ना होगा फिलहाल,
बहुत दूर है आर्यन उपियां जोन से। गाइस फटाफट से स्ट्रीम लाइक कर दो भाई, 20 की वॉचिंग है, 15 लाइक है सिर्फ। आर्यन ओपी, आर्यन डब्ल्यू एन एल यहाँ पर जोन की ओर बढ़ते हुए रोटेशन लेते हुए दूसरे बंदे की तरफ से हेम के वंपर, आखिरी बचे अपनी टीम से। आर्यन को स्पॉट कर लिया इन्होंने, ओके यहाँ पर टावर के कवर में मौजूद है फिलहाल ये। आर्यन ही इकलौते बंदे अगर जोन से मरते हैं यहाँ पर कोई बंदा, फिर भी आर्यन की उम्मीद को यहाँ पर पानी फिर जाएगा। जोन की ओर बढ़ चुके हैं वैम्पायर सामने मौजूद, अगर स्पॉट वैम्पायर ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं इनको। ओके वैम्पायर यहाँ नहीं, दूसरी साइड स्पॉट किया आर्यन ने, यहाँ पे अच्छा स्प्रे दिया, कनेक्ट अगर होता है यहाँ पर डेड करेंगे। 1v1 की सिचुएशन है, अगर आर्यन यहाँ पर निकाल लेते तो यार 7 किल यहाँ पर होंगे, 1 किल निकाल चुके, एक और लीजन धीरे जो भी है, पूरा मौका है यहाँ पर, देखना होगा कौन ये मैच निकालता है। 15 सेकंड का मैच है आर्यन जबकि मैं, क्या आर्यन ओपी यहाँ पर 7 किल कर पाएंगे, 6 किल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रेड डॉट यहाँ पर है डीपी के साथ, उनके पास जोन से 38 मीटर दूर है एंड स्कोपिंग हार्ट करते हुए यहाँ पर। गाइस 23 लोग जुड़ चुके हैं स्ट्रीम पे, क्या लगता है गाइस दोनों यहाँ पर हील बैटल भी देखने को मिल सकता है, हील बैटल हुआ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। गाइस फटाफट से भाई 50 प्लस लाइक का टारगेट रखेंगे आज। रैंडम स्प्रे देते हुए लीजेंड धीरे धीरे काफी लो हो चुके हैं यहाँ पर, काफी लो हो चुके हैं यहाँ पर। आर एन ओपी यहाँ पर जाते हैं, उनको पता है कि ये किल उनके लिए बहुत जरूरी है तो फुल पुश करते हुए यहाँ पे धीरज ओपी क्या करेंगे, ओपन मारते हुए। इसी के साथ यहाँ पर आर्यन ने निकाल दिया भाई पहला ही मैच, जैसा कि मैंने बोला गाइज यहाँ पर पहला ही मैच में 7 किल यहाँ पर आर्यन ओपी निकालते हुए, एंड इसी के साथ फर्स्ट प्राइज यहाँ पर जाता है आर्यन ओपी को। भाई मैंने जैसा बोला था लोग नहीं समझते हैं कि नहीं हो पाएगा, बट पॉसिबल होता है गाइस। 7 किल मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में 2-3 किल मिल जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है यहाँ पर। तो गाइस हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, लीजेंड धीरज के 3 किल थे, 4 ल्यूक के किल थे, इसके अलावा किसी के किल नहीं थे। आर्यन ओपी बिग फैन, तो भाई नेक्स्ट रूम आईडी भी आ चुकी है, स्ट्रीम पे ही मिलेगी, फटाफट से ज्वाइन कर लेगा। प्राइस सेम रहेगा, अभी भी सोलो ही बना रहे, डुओ बनाएंगे तो आपको बता देंगे। आयरन भाई ओपी सेक्सी, बिल्कुल यार पहला मैच यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये रहा रूम आईडी पासवर्ड, फटाफट से ज्वाइन कर लो। गाइस रूम आईडी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, फटाफट से ज्वाइन कर लो। भाई पासवर्ड लिख रखा है वहां पर स्ट्रीम पे, MERC पासवर्ड है ब्रो। पासवर्ड MERC है कैपिटल में। सोलह बंदे जुड़ चुके गाइस, भाई पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है ब्रो स्ट्रीम पे, उतना बड़ा आपको मैंने आईडी पासवर्ड लिख के दे रखा है, आप लोग फिर भी पासवर्ड पासवर्ड कर रहे हो, रूम आईडी एंड पास वहां पे लिखा हुआ है ब्रो।
वाह, मैं जानता हूँ ये बंदा कौन है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे लोगों से हमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 22 लोग हो चुके, 6 लोग और चाहिए यहाँ पर सिर्फ। मैंने ज्वाइन कर लिया, पासवर्ड दे दो ब्रो। कबाब ब्रो, आकाश मित्रा देता हूँ आपको पासवर्ड, रुक जाओ अभी, तुम बकवास करवा लो तुमसे है भाई। स्ट्रीम पे ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर मैंने पासवर्ड भाई। प्राइस सबको एक ही साथ मिलेगा लास्ट में, स्ट्रीम एंड होने के बाद। ब्रिजेश पांडे वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। मामा रावण रिपोर्टिंग, ओपी डेविल, रावण ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम। गाइस फटाफट से स्ट्रीम लाइक कर दो जितने भी लोग स्ट्रीम में जुड़े हैं। स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, 27 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अट्ठाईस हो चुके गाइस यहाँ पर, देखते हैं पिछले मैच के विनर INWL क्या यहाँ पर मौजूद है। इस बार ही INWL मेरे को दिख नहीं रहे यहाँ पर फिलहाल। ल्यूक ने अच्छे किल करे थे पिछले मैच में। ट्वेंटी किल ब्लॉक ब्रो, बिग फैन ब्रो, बिग फैन। 20 किल ब्लॉक राहुल यादव ब्रो, 20 किल नहीं चाहिए भाई। एंड मैच स्टार्ट हो चुका है अब। हाईएस्ट किल लास्ट मैच का यहाँ पर जीता था आर्यन ने, एंड इस मैच में कोई यहाँ पर निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता है। डुओ का भी रखेंगे, डुओ में भी 12+ किल चाहिए यहाँ पर आपको। डुओ भी रखेंगे बैक, अभी मतलब हम लोग रखते रहेंगे। गाइज नेक्स्ट डुओ बनाए या सोलो बनाए जल्दी बताओ। ओके तो एक और मैच की ओर बढ़ चुके हैं, फिर से यहां पर यशनाई की ओर ही पड़ा है जोन। सोलो बनाए या डुओ जल्दी गाइज कमेंट करके बताओ मेरे को। वैनम यूडी यहाँ पर पहला किल निकालते अपने लिए, एक किल निकाल चुके, हाथ से मार दिया क्या। स्किनोर ने भी यहाँ पर अपना खाता खोला, एक एक किल यहाँ पर हो चुके, सोलो यानी स्टेपर। ओके ब्रो एक और सोलो बनाते हैं, सोलो बनाएंगे। स्ट्रीम को शेयर कर दो पहले सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर। स्किनोर यहाँ पर 2 किल निकाल चुके अपने लिए, काफी लो हो चुके हैं यहाँ पर फिलहाल। तो अगर मैं बात करता हूँ मैं, भाई विजार्ड ने भी खाता खोल चुका है। गाइस जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनाएंगे हम लोग, अगर डुओ को ज्यादा वोट मिले या सोलो को ज्यादा वोट मिले तो वही बनाएंगे। फिलहाल वैनम यूडी यहाँ पर 2 किल निकाल चुके हैं अपने लिए, 2 किल एस्किनोर ने यहाँ पर निकाल चुके हैं। वैनम माही का खाता नहीं खुला है, डुओ सर आने में भी। लेट्स वेट गाइस। ओके अभी 3-4 कमेंट और आने दो, नेक्स्ट मैच बताओ क्या बनाना है गाइस जल्दी। एक और किल यहाँ पे आरडी के राहुल ओपी को फिनिश कर देगा। 3 किल यहाँ पे वैनम यूडी निकालते हो अपने लिए। थैंक यू वैम्पायर भाई, कल भी बना देना प्लीज, आज मैं कर रहा हूँ भाई। आप डेली यही चीज बोलते हो और कुछ नहीं। कैन वी ज्वाइन मल्टीपल टाइम स्ट्रेंथ प्लेयर, डेफिनेटली ब्रो हर मैच में आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, हर मैच में। कस्टम कब से? नॉर्मल कस्टम ब्रो डेली चलते हैं भाई, वीकेंड को छोड़ के डेली कस्टम। नॉर्मल भाई पूरी है, इसके बाद फिनिश करेंगे। एक और बंदा यहाँ पर अपने नाम डालते हुए वैनम यूडी को, लेकिन फिनिश किया है फेंटेक्स गॉडजी ने। नॉर्मल कस्टम के लिए गाइस हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो डिस्कॉर्ड में ही होते हैं। अब व्हाट्सएप का जो सिस्टम लोगों ने खत्म कर दिया, डिस्कॉर्ड पे रजिस्ट्रेशन होंगे। एंड प्लस
हमारा जो और अपकमिंग टूर्नामेंट है 25K प्राइस पूल का टूर्नामेंट अभी हम लोगों ने करवाया, 1100 स्लॉट है। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी 2 किल यहाँ पे एस्किन और सबसे हाईएस्ट किल अभी तक इन्हीं के यहाँ पर मौजूद है फिलहाल। मेरे को T3 खेलना है, कल से मेरा रजिस्टर कर देना प्लीज। भाई रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ेगा ब्रो, रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। गाइस देखना होगा इस बार ही क्या एस्केनोर के पास एक मौका है यार, 2 किल क्योंकि इन्हीं के मेरे को फिलहाल तो दिख रहे, बाकी इनके अलावा किसी के भी किल नहीं है। गाइस 50+ लाइक का टारगेट है स्ट्रीम का, फटाफट से कम्प्लीट करवा दो, एंड एस्केनोर को भी यहाँ फिनिश कर देगा। कैम्प भाई फुल कैंपिंग होती है सोलो में, तो गाइज क्या लगता है इस मैच पे, बिग फैन पाल राजपूत वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, क्या लगता है इस मैच पे कोई निकाल पाएगा क्या? लास्ट मैच में आर्यन ने जरूर निकाला था, क्या इस मैच में कोई यहाँ पर निकाल पाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जरूर है। कैसे करना है रजिस्टर ब्रो? कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, ऑन स्ट्रीम आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा एंड यहीं से आपको ज्वाइन करना है, सिंपल प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है। भाई रजिस्ट्रेशन कैसे भी नहीं करना, बोल तो रहा हूँ मैं, सिंपल प्रोसेस है भाई। 2 किल फ्रॉस्ट तिवारी के रखे हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर किल, 2 के ज्यादा भी किसी की किल नहीं है क्योंकि 3-3 किल वाले बंदे ऑलरेडी डेड हो चुके हैं यहाँ पर। 3 किल यहाँ पे वैनम यूडी ने करे थे और 2 किल करे थे एक और ने, बट फ्रॉस्ट तिवारी बचे हुए सिर्फ। टाइमिंग T3 की टाइमिंग फिलहाल तो भाई PMCO चल रहे, तो उस वजह से 3 से 6:30 तक की है, 4 मैच होते हैं, चारों मैच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, आवारा नहीं है मैच में। क्या लगता है इस मैच में कोई 7 किल निकाल पाएगा? मेरे को इस मैच में पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि जो ज्यादा किल वाले थे वो बंदे पहले ही मर चुके हैं। दो किल यहाँ पे रोहित सक्सेन के भी हो चुके हैं, 2 फ्रॉस्ट तिवारी, भटूरा ओपी भी यहाँ पे 2 किल कर चुके हैं अपने लिए। अभी 6 बंदे जो बचे उन 3 किल कर चुके, भटूरा ओपी 4 किल करने होंगे यहाँ पर जो 7 बंदे बचे उसमें से। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया, ओके ब्रो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया, वहां आपको दिख जाएगा। गाइस 50+ लाइक का टारगेट है स्ट्रीम का, फटाफट से कंप्लीट करवा दो। वो फटाफट से कंप्लीट करवा दो। 3 किल यहाँ पे भटूरा ओपी इकलौते बंदे जिन्होंने किल किया है, इनको यहाँ पर 5 में से सॉरी 6 में से 3 किल और करने होंगे। एनी स्टफर इस वाले मैच में मेरे को लग नहीं रहा कोई यूसी देगा, लास्ट मैच तो जीत गए थे बट इस मैच में थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि ये एक एक किल वाले जो बंदे हैं ना जो कैम कर रहे हैं लास्ट में और जो ज्यादा मार रहे बेचारा उनको कैम करके फेल दे रहे हैं, उनके लिए बहुत खराब लग रहा है मेरे को। भाई पहले मैच में ही लेकिन जो निकाला था ना वो मस्त था। गाइस 50 लाइक, भाई प्रोस तिवारी तो कैम कर रहे, भटरो ओपी भी कैम कर रहे हैं क्योंकि 5 में से उनको ऑलमोस्ट 4 मारने वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आर्यन ओपी ने जरूर मारे थे पिछले बारी, बट क्या भटूरा ओपी ये काम कर पाएंगे इस मैच में? गाइस क्या लगता है आपको कि भटूरा ओपी इस मैच में ये काम कर पाएंगे? प्रोस तिवारी 2 किल के साथ, रावण ओपी भी 2 किल के साथ है, एक भटूरा ओपी है जिनके पास मौका है यहाँ पर किल निकालने का, शॉटगन लेके कैम कर रहा था। राजे लोधी खराब लगा ब्रो। गाइस 50 लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करवा दो, 50 लाइक यहाँ पर, भटूरा ओपी ऊपर जाते हुए यहाँ पर। लोधी भैया सोलो में तो कैंप ही होता है, क्या करें, भटूरा ओपी अपना 4था किल निकालते हुए इसी के साथ 4 किल हो चुके भाई। लेकिन यहाँ पर ल्यूक ने अपना 2रा किल निकाला,
भटर को ओपी को तीनों बंदों को यहाँ पर मारना होगा। ल्यूक ने जो एक किल करके यहाँ पर काम खराब करा उनका, बहुत खराब लगा उसके लिए। क्या भटूरा ओपी यहाँ पे 7 किल निकाल पाएंगे गाइस, क्या लगता है आपको? कमेंट करो फटाफट से एंड स्ट्रीम लाइक कर दो भाई फटाफट से, जितने भी मॉड वगैरह स्पैम कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से स्पैम कर दो यार। राजा दी मौत ने खाता नहीं खुला, ल्यूक को लेकिन स्पॉट कर लिया गया। क्या ये नेड ल्यूक की जिंदगी खत्म कर सकता है? नहीं, ये नेड नहीं कर पाया। भटूरा सर के पास मौका है 1v3 क्लच करके यहाँ पर 70 UC अपने नाम डाल सके, सोलो ही बनाओ सर। ल्यूक ने तीसरा किल करते हुए अपना, तो अब यार ये मैच अब कोई यूसी कोई भी बंदा यूसी नहीं जीतेगा इस मैच में, क्योंकि अब तो 6 किल मैक्सिमम हो सकते हैं। आरन भटूरा ओपी ने यहाँ पे थोड़ा प्रो गेम प्ले नहीं दिखाया, एग्रेसिव गेम प्ले नहीं दिखाया, तो इसीलिए यहाँ पर ये मैच कोई नहीं जीतेगा। लेकिन जो बोल रहे थे ना कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है यार, एक एचपी ऑलमोस्ट छोड़ दिया रावण ओपी सर को, एक गोली और लगती तो यहाँ पे भटूरा ओपी एक नेड यहाँ पे कर रहे, क्या ये रावण ओपी का खात्मा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जंप कर चुके वो एंगल बदलते हुए। बढ़िया नेड यहाँ पर भटूरा ओपी की तरफ से, 5 किल जरूर निकाले यार, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो चाहते थे वो नहीं पॉसिबल हो पाया। 7 किल में 1 किल रह गया यहाँ पर कम। भाई क्या कैंप हुआ, छुप के बैठा भाई अकाउस्टिंग किंग ब्रो, कैंप ही होता है सोलो में, मैं आपको बताना चाहूंगा सोलो पे पूरा मैच कैंप होता है। ल्यूक के सामने 1v1 कैसे होंगे, भटूरा ओपी 5 किल तो निकाल चुके, और AKM सामने आती है, ऊजी वर्सेस AKM यहाँ देखने बोला, ऊजी का इस पर पड़ता हुआ यहाँ पर एंड गन स्विच करनी होगी, M4 सामने आती है, इसके साथ भटूरा ओपी 6 किल यहाँ पर जरूर निकाले, लेकिन जो वो टारगेट था 7 किल का वो यहाँ पर अचीव नहीं कर पाए। अच्छा ट्राई था काफी बंदों ने, क्योंकि 2-2, 3-3 किल करके वो मर गए स्टार्टिंग पे, बट इसीलिए यहाँ पर भटूरा ओपी जो है वो यहाँ पर किल अपना कंफर्म नहीं कर पाए। 50+ लाइक का टारगेट है गाइस, नेक्स्ट रूम आईडी आ रही है आप लोगों के सामने, 50+ लाइक करो स्ट्रीम पे सभी लोग फटाफट से पहले, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट रूम आईडी पासवर्ड आ रही है, ये लो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ गाइस। भाई भटूरा ओपी काफी बढ़िया खेले, बट ओके मैं भी खुद तो जा सकता हूँ यार। गाइस फटाफट ज्वाइन कर लो यार भाई, मेरे से पहले तुम लोग ज्वाइन कर जाओ, मैं रूम में ना घुसूं। इरेंगल नहीं भाई, इरेंगल में देखो भाई मैं बताता हूँ ना आपको, इरेंगल में क्या होता है कि कैंपिंग शुरू हो जाएगी, और वो हम लोग चाहते नहीं है। बहुत लंबा मैच हुआ था लोधी भैया, आप समझ नहीं रहे हो यार, मैच हम लोग चाहते कि शॉर्ट शॉर्ट में निपटे जल्दी, अगर लंबा मैच बनाएंगे तो लोगों को टाइम वेस्ट होगा उसमें। ओके 11 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आर्यन सर वापस आते हुए दोबारा एक और प्राइस पूल यहाँ पे हड़पने की कोशिश करते हुए, क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे यहाँ पर वो देखना होगा। शैनोक भी नहीं आ रहा, अरे मैं बोल तो रहा हूँ टाइम वेस्ट होगा लोधी भैया। अरे ऑल वेपन में ही सही रहता है यूसी का, यूसी गिव अवे के लिए ऑल वेपन ही सही रहता है। एंड गाइस अगर कोई हमें यहाँ पे सपोर्ट करना चाहता है सुपर चैट से हम लोगों को सपोर्ट करता है, प्लस दूसरी मेंबरशिप आप लोग ले सकते हो हमारी, 3 मेंबरशिप है, लेकिन 3 मेंबरशिप में से मैं कहूंगा कि 59 रुपीज पर मंथ वाली ही ठीक है। जो तीसरी है भाई वो तो 1999, वो खाली हमने इसलिए ऐड करी है क्योंकि वो मजबूरी होती है, उसके बिना अप्रूवल मिलता नहीं है। अरे लोधी भैया लेट होगा यार, आप समझ नहीं रहे हो, यूसी हमको किस हिसाब से किल में देंगे वो श्योर नहीं हो पाएगा ना, हम लोगों को उस हिसाब से देखना है कि हमारा एक टारगेट है जिसमें यूसी उतने यूसी हम देंगे बंदों को। ओके 28 हो चुके, स्टार्ट करेंगे, मैं वो बोल रहा हूँ आपको और कुछ नहीं, बात वही है ना, मेरे पास यूसी नहीं है ब्रो, ज्यादा यूसी वाली बात नहीं है। अरे मैच नहीं करवाएंगे ना भाई, काफी दिन से स्ट्रीम थोड़ी सी शॉर्ट गन प्लीज अकाउंटिंग गेम ब्रो, एडवांस रूम कार्ड तो है हमारे पास बट लेट्स सी, बाद में देखेंगे भाई, नेक्स्ट में देखते हैं।
मेरा अकाउंट हैक हो गया पबजी का, आ जा भाई। मैं क्या करूं ब्रो? राज सोनी बिल्कुल ब्रो, इसके बाद और बनेगा भाई, टेंशन मत लो। इस बार ही जोन ओपन में बना भाई। आरडी राहुल ओपी खाता खोलते हुए अपना, राहुल ओपी ने दो मार दिए भाई, कतई हार्ड है। तो गाइस नेक्स्ट बनाएंगे ओनली शॉटगन, ओनली शॉटगन बनाएंगे नेक्स्ट वाला। तीन किल यहां पर कर चुके राहुल ओपी, कहां गए भाई? मुक्के चलते हैं भटूरा। राहुल ओपी 2 किल ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पर। ये क्या चल रहा है भाई? मुक्के चल रहे थे, मुक्केबाजी चल रही है वहां पर। राहुल ओपी 3 किल निकाल चुके। लीजेंड ने यहाँ पर रोहित ठाकुर को मुक्का मार के 1 किल कर लिया गया, इसी के साथ खराब लगा गाइस, फटाफट से शेयर कर दो। वीर इक्की के भी 3 किल हो चुके भाई, दो बंदे इस बार 3-3 किल कर चुके। क्या ये दोनों बंदे यहाँ पर 6+ किल दोनों मार सकते हैं? क्योंकि दोनों अगर यहाँ पर 6+ किल मारेंगे तो जिसके ज्यादा किल होंगे उस बंदे के पास मौका होगा यहाँ पर कि वो यहाँ पर जीतेगा। दोनों बंदों को नहीं मिलेगा गाइस 6 किल कुछ तो दो। भटूरा सर कुछ नहीं मिल पाएगा सर, सॉरी हमारे रूल्स बुक में ऐसा नहीं लिखा है, 6+ किल आपको करने होंगे। 6+ किल इन सोलो एंड 7+ किल हाईएस्ट है। वैनम यूडी ने आरडीएस सेशन को फिनिश किया, 2 किल वैनम यूडी के भी हो चुके। क्या इस मैच में 7 किल भाई? इस मैच पे तो मतलब बंदे ओनली शॉटगन नहीं भाई, नेक्स्ट मैच ओनली शॉटगन होगा, उसके बाद चेंज करते रहेंगे ना। 4 किल यहाँ पे आरडी के राहुल ओपी निकाल चुके यार, 3 किल इनको और करने हैं 8 बंदों में से। ल्यूक ने एक और किल किया, 2 किल यहाँ पर ल्यूक के भी हो चुके हैं, सॉरी 1 किल। राहुल ओपी के पास पूरा मौका है भाई, इस मैच में पूरा मौका है। जैसा कि मैंने पहले मैच में जो हेक्टर आर्टिक बिना गन के भाग रहे अभी तक। वीरिक्की की बात करूं तो 3 किल ये भी निकाल चुके, 4 किल इनको भी यहाँ से करने हैं, देखना होगा यहाँ पर। वैनम यूडी भी 3 किल 2 किल निकाल चुके, फ्रॉस्ट तिवारी भी 2 किल निकाल चुके। तो मैच बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक तरफा जा रहा है। कब तक चलेगा स्ट्रीम? स्ट्रेंज प्ले ब्रो भाई, वो हमारे वो मन पे है, जब तक मन करेगा तब तक चला लेंगे। आरडी के राहुल ओपी बिल्कुल ओपन जाते हुए यहाँ पर गिराने का मौका है इनके पास। राहुल ओपी ने वीर की को छोड़कर दोनों बंदे यहाँ पर जो ज्यादा ज्यादा किल वाले, अगर इनमें से कोई मरता है तो कॉम्पिटिशन खत्म हो सकता है। वीर की 3 किल, आरडी राहुल ओपी के 4 किल है एंड राहुल ओपी को स्पॉट करा, यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज आता हुआ। राहुल ओपी बिल्कुल ओपन पे आ चुके यार, ये थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो सकती है। पिस्टल मेले, अरे नहीं ब्रो गाली नहीं देने का, ओनली शॉटगन पर फिर पिस्टल मेले भी तब आ जाएगा। अरे नहीं, ओनली शॉटगन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ओनली शॉटगन कर देंगे। 4 किल अभी यहाँ पर, एक बंदे राहुल ओपी का सबसे ज्यादा मौका है। एलन को स्पॉट कर लिया इन्होंने, शॉटगन ओनली बनाएंगे नेक्स्ट गाइस। तो विश्व ओपी को स्पॉट करोगे, राहुल ओपी के पास मौका है। वैनम माही को खत्म कर दिया, आरएन ने अपना खाता खोलते हुए, आरडेक्स ने आईएक्स को फिनिश किया, 8 बंदे बचे हुए, 8, 7 में से 3 मारने। ल्यूक ने आरडेक्स को भी नहीं है, एलन यहां पे जाते हुए आरडी राहुल ओपी स्प्रे देते हुए एंड फिनिश करेंगे। 5 किल निकाल चुके, 5 में से सिर्फ 2 बंदे यहां पर मारने इनको एंड देखना होगा यहां पर। आरएन की तरफ चलेंगे, फ्रॉस्ट तिवारी भी 2 किल यहां पे, कैम काफी देर से इन्होंने होल्ड कर रखा है कंपाउंड। आरएन के पास मौका है यहां पर फिनिश करने का, 1 ही किल इन्होंने निकाला इस मैच में भाई। मैच काफी बढ़िया होता है, 50+ लाइक का टारगेट है स्ट्रीम पे, 50+ लाइक का टारगेट है स्ट्रीम पे हम लोग का। गाइस 50+ लाइक कर दो स्ट्रीम पे, नेक्स्ट रूम आईडी पासवर्ड आ जाएगा इसके बाद। 5 बंदे बचे, फ्रॉस्ट तिवारी अभी भी कंपाउंड में, वैनम यूडी भी कंपाउंड में मौजूद है एंड ल्यूक जेआर की बात करते हैं। ल्यूक जेआर MK14 है भाई विद 6x इनके पास यहाँ पर पूरा। आरडी राहुल ओपी जो कि 5 किल इनके पास भाई, सबसे बेहतरीन मौका इस टाइम में कहूं तो एक तरीके से। डुओ बनाओ भाई, एक अगला शॉटगन बनाएंगे उसके बाद डुओ बनाते हैं। फर्स्ट बार को स्पॉट किया आरएन ने, एक और बंदा है फिनिश करते हुए, 2 किल आरएन के। तो गाइस देख सकते हो अब लास्ट के जो 5 बचे भाई, यहाँ पर 2 बंदे 2-2-2-5 एंड विशु ओपी 1। विशु को, राहुल को यहाँ पर 4 में से 2 बंदों को टपकाना होगा, वरना तो भाई मुश्किल ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है। नहीं नेक्स्ट सोलो ही बनेगा, ज्यादा तेरे को टाइम आउट दे दूंगा, ज्यादा स्पैम मत करो। डुओ, अरे नेक्स्ट डुओ नहीं, नेक्स्ट शॉटगन ओनली है। ओके राहुल ओपी को फिनिश कर दिया वैनम यूडी ने, तो यार ये मैच का भी जो एक उम्मीद थी राहुल से वो यहां पर खत्म होती हुई। जैसा कि मैंने बोला यहां पर
इकलौती जिनसे उम्मीद थी, 5 किल क्योंकि उनके हो चुके थे, बट मैं जैसा बोला ना बिल्कुल सामने पे थे यहाँ पर, तो प्रॉब्लम हो गई उनके लिए। डुओ उसके बाद बनेगा। प्राइस क्या है? प्राइस ऑलरेडी बोला है भाई। अरे कोई नहीं राहुल ब्रो, बढ़िया ट्राई था यार, बीच में लेटे हुए थे सब लगे हुए हैं। वेनम पिरो वेनम पिरो है भाई, वेनम भी फिन 3-2-2-2 का स्कोर है। राहुल के लिए खराब लगा, बीच रोड में लेटा हुआ था, बज गई यूसी। अरे ब्रो कोई टेंशन नहीं भाई, यूसी की बात नहीं है, वेनम यूटी को आर्यन ने फिनिश किया, 3 किल आर्यन। आर्यन ही इकलौते बंदे अभी तक जो जीते हुए थे अभी तक, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, मतलब आर्यन ने यहाँ पर जो था पहला जो मैच था उसमें आर्यन ने प्राइज निकाला था। प्राइज ब्रो 7 किल में क्या बोला है हमने, थोड़ी ना ऑलरेडी क्या बोला है हमें थोड़ी भाई, ऊपर पे लिखा हुआ देखो आप, ऊपर के मैसेज पढ़ो, ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्या करता, हीलिंग नहीं थी और हील भी नहीं सकता था भाई, बीच में अटक गए थे, क्या कर सकते। 1v1 की सिस्टम के लाइक ल्यूक जेआर के सामने MK14 विद M4, MK वाले बाजी मारना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर बिल्कुल मारेगा। ल्यूक को मारो कैंपर, ल्यूक ने मार दिया ब्रो, खराब लगा। गाइस नेक्स्ट रूम आइडिया आ चुकी है बैक टू बैक भाई, पहला एक ही विनर अभी तक हमें मिला है यहाँ पर आरएन के रूप में, जिन्होंने 7 किल करे थे पहले ही मैच में। शॉटगन ओनली है गाइस इस मैच में, ल्यूक को जो मारेगा 10 रुपए मेरी तरफ से। ल्यूक मर गया सर, ल्यूक ने मार दिया लास्ट में, तो तीन 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 बंदों के 3 किल थे यहाँ पर और एक 5 किल वाला बंदा था, तो भाई मजेदार मैच, बहुत मजेदार मैच। शॉटगन ओनली है एंड इनवाइट करो गाइज मेरे को। 7 किल करने होंगे, हाईएस्ट किल जिसके भी होंगे, बट हाईएस्ट किल का क्राइटेरिया वही है कि 2 बंदे, क्योंकि हाईएस्ट किल में 6 से ज्यादा नहीं मार सकते, इतना तो मेरे को कंफर्म है भाई। D7 फ्यूरी ओपी सबसे पहले आ रहा है, बताओ हर मैच में सबसे पहले आ रहा है। प्राइस में दोबारा अपडेट कर देता हूँ, मैवरिक ओपी GJ4 के वैनम माही एस्किन और भटूरा ओपी दोबारा आते हुए। भटूरा ओपी ने भी 6 किल निकाले थे यार, लेकिन लास्ट जो था वो 7वां किल जो वो मिस कर गए, वो मिस नहीं होता तो मे भी हमारे पास 2 विनर होते आज के मैच के। और गाइस किसी को अगर लगता है और आज और मत बना रूम, कल नहीं ब्रो, कल तो नहीं बन पाएगा क्योंकि कल कस्टम्स होंगे, आज फ्री हम लोग इसलिए मैं बनवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि गाइस कोई बंदा यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, मतलब किसी ने अगर आपको गलत तरीके से मारा है, तो उसका डेथ रिप्ले आप लोग ले लीजिएगा एंड हमको भेज देना, हम चेक कर लेंगे उसको। ओके 23 लोग हो चुके, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ गाइस, किसी को अगर लगता है कि किसी ने मुझे गलत तरीके से मारा, या मतलब दीवार के आर पार या कुछ भी, मतलब वन शॉट ये हैक वगैरह कोई अगर यूज कर रहा है, मतलब वैसे करेगा तो नहीं, इतना मेरे को भरोसा है लोगों पे, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तो उसका प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि डेथ रिप्ले जरूर ले लेना। शॉटगन ओनली है गाइस इस मैच में, यार इस मैच में मजा आएगा भाई, शॉटगन का कमाल देखने को मिलेगा ना। नेक्स्ट डुओ बनाएंगे गाइस, डुओ ऑल वेपन बनाएंगे या शॉटगन, जल्दी बताओ मुझे, मुझे मारा दीवार के बाहर, कोई बात नहीं। लोधी भैया हमें तगड़ा सपोर्ट करते हैं यार, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है। ल्यूक जेआर ब्रो आईडी पासवर्ड ऑलरेडी ऊपर दे दिया था, मैच स्टार्ट भी हो चुका है, अब लेट हो गए इस मैच में। भटूरा ओपी यहाँ पर स्टंट मारते भाई, अपना इमोट्स करते हुए। गाइस जो जो नए हमारे साथ चैनल पे जुड़े यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक अगर बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बनाएंगे डुओ, डुओ का भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ, 12 किल करने होंगे, 12+ किल सॉरी। ल्यूक भाई लेट हो गए आप, चलो इस बारी जो जोन बड़ा है यार इसमें, ये ऑल वेपन में मैप सिर्फ इरेंगल ही रहता है क्या? भटूरा ओपी जा रहे हैं, एस्किनोर सामने मौजूद है क्या? यहाँ पर देखना होगा खाता कौन खोलेगा सबसे पहले। ओके तो एस्किनोर को आरडी के एसएसएन ने टपका दिया, पहला किल अपने नाम डालते भाई, कहता ही हार्ड।
27 बंदे बचे असैसिन अपना, एक औलौता बंदा जिन्होंने अभी तक खाता खोला है। शॉटगन ओनली है मैच गाइस, शॉटगन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस मैच में, तो ये मैच थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता हुआ। फिरोज तिवारी ने नॉट शरीफ को अभी फिनिश किया भाई। ये शॉटगन वाला भी बहुत मजेदार है, डबल वाली जो शॉटगन होती है अगर चिपक गई ना किसी को भाई, एक गोली में काम पैंतीस है कंफर्म। शेयर कर दो गाइस स्ट्रीम को फटाफट से। फ्यूरी ने भी खाता खोला एक किल अपने लिए निकालते हुए, म्यूटेंट लैगर ने भी एक किल निकाल दिया है, एक एक किल सारे बंदे यहाँ पर मारते हुए, शॉटगन का कमाल यहाँ पर दिखता हुआ गाइस। गाइस कमेंट करो फटाफट से नेक्स्ट मैच में क्या करना है, नेक्स्ट मैच को डुओ बनाना है या सोलो ही बनाना है। वैनम यूडी ने आर्यन को डाउन किया, वैनम रेस ने भी खाता खोला यार, दो किल किसी के भी नहीं और के क्या, सब एक एक किल मार के बैठे भाई, ये क्या मजाक है। शॉटगन ओनली बोल तो दिया लेकिन दो किल अभी तक किसी ने भी नहीं करे है। गाइस क्या लगता है इस मैच पे कोई क्या 7 किल कर पाएगा, आरडीएक्स के हमर 2 किल होते हुए पहला बंदा, 17 में से इनको 5 और मारने फिलहाल हील करेंगे S12 के सोलो। राहुल 4213 वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द कबाब गेमिंग। जो भाई जिनके पास किल उनको थोड़ा सा हमें एग्रेसिव करना पड़ेगा अगर 7 किल निकालने तो, वरना यार पिछले बार की तरह हो जाएगा कि आपके बंदे खत्म हो जाएंगे और आपको किल नहीं मिलेंगे। आरडी के असेसन भी यहाँ पर 2 किल निकाल चुके, आई गेस सेवियर ने भी 2 किल निकाल चुके हैं, राहुल ओपी ने भी 2 किल निकाल चुके, तो 2-2 किल वाले फिर से काफी बंदे बढ़ते हुए यहाँ पर। आरडी के 2 बंदे असेसन और राहुल ओपी 2-2 किल निकाल चुके, शॉटगन दोनों S1897 एंड सोलो। ओके ठीक है गाइस सोलो ही बनाएंगे यार, कोई इशू नहीं है फिर से सोलो बनाएंगे। यहाँ पर 2 किल फ्यूरी ने, हेक्टर आरडीक्स इस मैच में क्या कमाल कर पाएंगे, वैनम यूडी ने फिनिश किया, हेक्टर आरडीक्स 3 किल यहाँ पर कर चुके ऑलरेडी। सोलो ऑल वेपन करें या सिर्फ शॉटगन करें जल्दी बताओ, 3-3 किल 2 बंदों के हो चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। डुओ प्लीज पारस मोकी ब्रो, ज्यादा बंदे अगर यहाँ पर सोलो के लिए बोलेंगे तो फिर यार सोलो ही बनाना पड़ेगा मेरे को यार, सोलो में 13 किल भी मेरे को थोड़ा सा, अगर स्प्लिट ड्रॉप लेते तो चांसेस है। ऑल वेपन ही बनेगा ब्रो, ओके ऑल वेपन, ओके ठीक है। एक्टर आर्टिक 4 किल यहाँ पर कर चुके हैं भाई, 3 किल इनको और चाहिए यहाँ पर, क्या ये यूसी निकाल पाएंगे इस मैच में। लोकेशन सामने आ चुके आरडी के राहुल ओपी, 3 किल उनके पास भी, यहाँ पर मौका है इन दोनों के पास। यहाँ पर जो है अभी अगर इनमें से जो फिनिश होता है, वेपन नहीं मिल रहा ज्यादातर, वेपन नहीं मिल रहा ज्यादातर। अरे धीरज भाई टी 2x लूट है ब्रो, लूट मिलनी चाहिए यहाँ पर, शॉटगन का कमाल करते भाई, क्या ये चिपक गया नहीं सीखा। राहुल ओपी ने 14 किल मार दिया, सोलो ऑल वेपन स्नाइपर बना दो अब एक बार ना, ऑल वेपन वैसे चलो ऑल वेपन ही बनाते हैं यार, स्नाइपर नहीं, स्नाइपर बोरियत लगता है भाई। राहुल ओपी पिछले मैच 5 किल कर रहे थे, क्या इस मैच में वो जो मिस हो गया था इस मैच पे पूरा कर पाएंगे। गाइस स्ट्रीम का लाइक का टारगेट, जो पहला टारगेट हमारा 50 लाइक का टारगेट सेट किया हमने आज का, सोलो ऑल वेपन ही बोल रहे जातन। बट रो ओपी पहला किल करते हुए अपना, और यहां पर आरडी को 3 किल मार रहे होंगे, अब 3 किल मारने होंगे भाई, गन नहीं मिली, खराब लगा ब्रो भाई। लूट तो 2x है, लूट भी मैं बोल देता हूँ लूट बढ़ा दो। लूट बढ़ाने को बोल देता हूँ मैं, सबको गन मिलेगी। लूट बढ़ाने को बोल देता हूँ, 3x लूट करने को बोल देता हूँ। यहाँ पे लोकेश भाई क्या कर रहे हैं, स्टंट मार रहे छत में खड़े होके, इनको पता है कि इनके पास कोई मौका नहीं है अब। डुओ कर आरडी असेसन ब्रो नेक्स्ट, चलो एक डुओ कर लेते हैं उसके बाद सोलो करेंगे। एक डुओ बना दे गाइस, इसके बाद बहुत लोग बोल रहे कि डुओ बनाओ डुओ बनाओ,
एक डुओ बना ही लेते हैं, चेंज नहीं होगा क्या भाई? सोलो बना दिया लड़के ने, पूछना पड़ेगा चेंज होता है नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, उसके बाद बना लेंगे भाई, बैक टू बैक मैच होंगे, उसकी टेंशन मत लो। जब तक भाई राहुल ओपी इकलौते प्लेयर है जिनके यहाँ मौका है तीनों को मार के, भाई डुओ में मजा नहीं आना यार, सोलो इज बेटर भाई। एक डुओ कर लेते हैं उसके बाद सोलो खेलेंगे, एक डुओ कर लेते हैं। राहुल ओपी के 5 किल हो चुके भाई, दोनों बंदों को पेलना होगा यहाँ पर। क्या राहुल ओपी इस बार कमाल कर पाएंगे कुछ? गाइज एक डुओ बनेगा, एक डुओ बनेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से सोलो बनाएंगे, लेकिन एक डुओ बना लेते, बीच बीच में एक डुओ बना लेना चाहिए ना। राहुल ओपी भाई यहाँ पर तलाश में लॉन्डो की, दो लॉन्डे और गिराने उन्होंने अभी। गाइस क्या लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करो फटाफट, राहुल क्या ये मैच निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? 2 किल उनको करने, दो ही बंदे बचे हैं, पॉसिबिलिटी है अगर लोकेश और वैनम माही आपस में भिड़ गए तो राहुल का यहाँ पर कट सकता है, लेकिन राहुल को जरूर किल के लिए जाना चाहिए अभी, क्योंकि किल ही उनकी है जो बता सकते हैं उनको। लोकेश को स्पॉट कर लिया है क्या? नहीं करा है फिलहाल, स्पॉट नहीं करा, ढूंढ रहे बंदों को, उनको पता है कि 2 किल उनके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर जम करते हुए बिल्कुल शॉर्ट गन का कमाल है, एक और बंदा यहाँ पे जम करा, शॉर्ट गन की यहाँ पे साउंड ले लिया है जम का, आई गेस नहीं निकलेगा मैच। ओके स्पॉट कर लिया गया है, लोकेश सामने आ चुके हैं, S12K वर्सेस S12K होगा, लोकेश के पास में यहाँ पर S12K है। राहुल ओपी क्या यहाँ पर क्लच कर पाएंगे, यहाँ पर टीपी भी लेते हुए 1v1 का सिचुएशन होगा, यहाँ पे लोकेश क्या यहाँ पर कमाल कुछ कर पाएंगे? राहुल ओपी को यहाँ पर लेकिन किल के लिए जरूर जाना होगा यहाँ पर। क्या लगता है गाइस कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो यार, आपको क्या लगता है कि ये मैच निकलेगा नहीं निकलेगा? ओके राहुल ओपी बढ़ते हुए यहाँ पर शॉटगन दे दी, बिल्कुल यहाँ पर आखिरी किल बचे हुए है ना माही जो कि कहाँ पर मौजूद है, आई हैव नो आइडिया। ओके स्पॉट कर लेगा राहुल ओपी ने, इसी के साथ यहाँ पर राहुल ओपी ने 7 किल निकाल दिया भाई, कतई हार्ड नहीं निकलेगा बोला लेकिन निकाल दिया यहाँ पर राहुल ओपी ने। इसी के साथ एक और यहाँ पर विनर हमारे पास गाइज आ चुका है, आरडी के राहुल ओपी 7 किल अपने लिए निकालते हुए। कतई हार्ड भाई, क्या मिलेगा? 70 UC मिलेगा ब्रो, डुओ मैच बना चुके हैं नेक्स्ट। डुओ बन चुका है गाइस,
गाइस फटाफट से ज्वाइन कर लो, रूम आईडी पासवर्ड ऑलरेडी दे चुका हूँ। गलत आईडी पास। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुको। वही मैं सोच रहा था लोग आए नहीं कि भटूरा को तो इनवाइट कर दिया गया यहाँ पर। एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ, पूछने दो। गाइज एक मिनट का समय दो मेरे को, मैं सही आईडी पासवर्ड लेके आ रहा हूं। ओके पासवर्ड सेम होगा गाइज हर बारी, तो मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है पूरा ही लिख देता हूँ यार। भाई ये नई रूम आईडी ये रही। पासवर्ड हमेशा सेम ही रहेगा गाइस। ये मैवरिक ब्रो वो है क्या जो मैं सोच रहा हूँ यार? नहीं नहीं वो नहीं है ब्रो, नहीं, ये मैवरिक वो है क्या जिसका बहुत हार्ड केडी था यार? एक मिनट रुको। ओके अरे नहीं, एक डुओ करेंगे इसके बाद सोलो करेंगे। इसके बाद सोलो करवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन ना लो। डुओ में 12+ किल करने हैं। ट्वेंटी वन हो चुके हैं, 7 लोगों की और जगह है यहां पर। गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, कभी हमारी प्रोफाइल चेक कर देगा। अरे सर आपने फोटो नहीं लगाई, आपकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं हम। ये लो जाओ बैठ जाओ, आप मैवरिक के साथ बैठ जाओ। सर आपकी तो प्रो केडी है सर।
23 लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ट्वेंटी थ्री हो चुके हैं, पांच स्पेस और बचा भाई, फटाफट से गाइस आ जाओ वरना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ज्यादा समय नहीं है, मतलब ज्यादा समय हम लोग वेट नहीं करेंगे किसी का भी। स्टार्ट करो, रुक जाओ एक दो बंदे और आने दो, स्टार्ट करते हैं फिर। टूर्नामेंट कब स्टार्ट हो रहा है? टूर्नामेंट भाई पीएमसीओ के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी पीएमसीओ चल रहे हैं तो लोग उसमें बिजी है, इसलिए पीएमसीओ के बाद ही टूर्नामेंट स्टार्ट होगा भाई। और कोई नहीं आ रहा लगता है, स्टार्ट कर दे क्या गाइस? भाई स्टार्ट कर देते क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बैक टू बैक करवाते रहेंगे ना यहाँ पर। तो अप्रोक्स 1 घंटा हो चुका है अभी तक, हमारे पास यहाँ पर 2 विनर मिले गाइस, फिर भी सोलो बनाएंगे इसके बाद। एंड जॉर्ज पुल की तरफ पड़ा है जोन, 12+ किल करने मैच में। राहुल ओपी ने गौतम ओबी को फिनिश कर दिया, गया पहला किल अपने लिए निकालते हुए, सेकंड के लिए रह गया। अरे यार सेकंड के लिए रह गया, स्टैनिक गेमिंग ब्रो खराब लगा। तो गाइस डुओ के होने चाहिए 12+ किल, यानी 13 किल आप समझ सक मान लो। एंड आरडीए की टीम भाई पेलम पेल कर रही है यहाँ पर, आरडीए की टीम के यहाँ पर ध्रशर ओपी असेसन है एंड राहुल ओपी भी मारे थे, किसके साथ खेल रहे हैं यहाँ पर राहुल ओपी देखना होगा। भाई राहुल ओपी मेरे को दिख ही नहीं रहे इस मैच में। GJ4 की स्क्वाड फिनिश हो गई, असैसिन ने यहाँ पर एक और किल निकाला, 2 किल लिए टीम निकाल चुकी है, स्प्लिट ड्रॉप करा था, 13 किल निकाले हैं। गाइस कोई नहीं, नेक्स्ट मैच सोलो बनाएंगे, उसके बाद हम लोग खेलेंगे प्रो गेम प्ले। कार्तिक चौधरी को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया, डुओ में थोड़ा सा मुश्किल होता है किल निकालना मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन आरडी की टीम भाई बुम बाम 4 किल निकाल चुकी है ऑलरेडी। गाइस कमेंट करो, कमेंट करो कि और बनाना है या नहीं बनाना है। अगर स्ट्रीम पे लोग ज्यादा नहीं होंगे तो हम लोग बंद कर देंगे, अगर स्ट्रीम पे वॉचिंग रहती है, स्ट्रीम से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो सही है, बट अगर सही स्ट्रीम से नहीं आएंगे तो दुरुशा ओपी को वैनम यूडी नॉक कर दिया गया है। आरडी के राहुल ओपी, भाई राहुल ओपी खेल रहे हैं बट किसकी टीम से खेल रहे हैं मेरे को दिख नहीं रहे। फिलहाल असैसिन यहाँ पर रिवाइव करने आ चुके हैं, यार मेरे को राहुल ओपी दिख नहीं रहा है भाई, क्यों नहीं दिख रहा है बंदा मेरे को? ये रहा यार राहुल ओपी, मिस्टर गोयल के साथ खेल रहा है। तो 4-4 के लिए निकाल चुके हैं एंड बना दे भाई सोलो नेक्स्ट एनी स्टेपर ब्रो। अगर भाई स्ट्रीम पे 60 लाइक होते हैं तो बनाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि देखो स्ट्रीम से बंदे ऑफलाइन चले जा रहे हैं ना तो फायदा नहीं है। नेक्स्ट टारगेट 60 का रखेंगे।
सोलो ही बनाएंगे सातवें नंबर पे। ओके ओके दीपक तिवारी, थैंक यू सो मच ब्रो बताने के लिए। भाई मेरे को दिख नहीं रहा था, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था राहुल को। बात करते किल की, तो यार किल सिर्फ यहाँ पर एक ही ने निकाले अच्छे खासे किल, भटूरा ओपी भी एक किल निकाल गया, मोहम्मद शरीफ ने यहाँ पे नॉक निकाला है। फिनिश करेंगे या रिवाइव देंगे, रिवाइव कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। स्ट्रीम पे लोग है ही नहीं भाई, देखो स्ट्रीम पे अगर ज्यादा लोग नहीं होंगे तो फिर यार क्या करेंगे बताओ ना। वैनम रेस ने अपना एक नॉक निकाला आरडी के, राहुल ओपी को नॉक कर दिया, फिनिश नहीं कर पाएंगे फिर से। सोलो मैच एक और बनाते इसके बाद। यार डुओ में थोड़ा सा किल का ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये भी है कि कैंप भी नहीं करते लोग, एकदम मरते नहीं है ना, वो बात अच्छी रहती है। सेवर ने हेरोरी को यहाँ पे नेट कर दिया है। गाइस कमेंट करो यार, कमेंट करो, एटलीस्ट 5 कमेंट हमको चाहिए ताकि हम लोग मतलब ये यहाँ पर मैच स्टार्ट करने की सोचे। 5 कमेंट एटलीस्ट चाहिए, 5 लोगों से कमेंट चाहिए तभी हम नेक्स्ट सोलो बनाते, क्योंकि 7 लोग स्ट्रीम को देख रहे हैं तो उसमें से अगर 5 भी यहाँ पे कमेंट करते हैं। यहाँ पर शरीफ ने अपना किल कन्फर्म किया, 4 किल निकाल चुके भटरो, ओबी को फिर से रिवाइव देंगे यहाँ पर, बढ़िया गेम प्ले शरीफ की तरफ से। वैनम यूडी एक और नॉक निकालते हुए, नॉक ही नॉक निकाल रहे हैं, एक और बुलेट अगर कनेक्ट होती तो यहाँ पर असेसन फिनिश हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पर बिल्कुल जैसा कि हमने असेसन यहाँ पर जंप मार के ही गिर गए और फिनिश हो गए, खराब लगा। 5 टीमें 10 बंदे, 4-4 किल ही हुए किसी के भी यार, 10 किल भी नहीं हुए हैं, डुओ में यही होता है। सोलो बनाएंगे गाइस, 5 कमेंट चाहिए हमको, सिर्फ 5 लोगों से कमेंट चाहिए गाइस। एनी स्टिपर ब्रो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 5 लोग कमेंट अगर करेंगे तो तभी सोलो बनाएंगे, क्योंकि यार देखो बंदे अगर आएंगे नहीं ना पूरा 28 तो फिर फायदा ही नहीं होता कुछ। रैश ने एक और नॉक निकाला, अपना किल कंफर्म नहीं कर पाया अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लेकिन अभी जो है उनका अपना पहला किल जो होगा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। बनाओ भाई दुरुशर, बिल्कुल भाई वही मैं बोल रहा हूँ, देखो 60 लाख का टारगेट रखा है हम लोगों ने, ऊपर आप देखो टारगेट हम लोग सेट कर रहे हैं हर मैच, ऐसा नहीं कि हम लोग भाई मैच डुओ नहीं, यार डुओ में भाई देखो किल नहीं हो पाएगा किसी का भी, मैं ये आपको बता रहा हूँ, 12 प्लस किल बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो किसी ने भी यहाँ पर 7-8 किल से ज्यादा करे नहीं है, मतलब क्योंकि सब 3-4 टीमों ने 6-7 किल करे, तो फिर यही है दिक्कत कि आप किल नहीं कर पाओगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मैं तो डुओ सोलो कुछ भी बना लूंगा, एक सोलो बनाते हैं। चलो नेक्स्ट लूट 3x कर दी भाई, बिना गन के कोई नहीं मरेगा इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, 3x लूट में सबको मिल जाती है लूट, ऑब्वियसली इजी होता है लूट मिलना। मैंने ब्रेस ने भटूरा ओपी को डाउन किया, 6 किल निकाल चुके यार ये टीम, लेकिन निपटती हुई 5 किल यहाँ पर इसी टीम के, देखेंगे देखना 8 किल भी नहीं होंगे किसी के, 10 किल भी नहीं होंगे, तो क्या करते हैं सोलो या डुओ सोचना पड़ेगा गाइस। एक ओनली बूट कैम बना लो भाई, देखो असेसन भाई मैं बना लूंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि बंदे ओनली बूट कैम नहीं आएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं आएंगे, ये क्या बात है ना, इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं। ओनली बूट कैम्प तो बना दूंगा, लेकिन बंदे बूट कैम्प आएंगे नहीं तो फिर मतलब ही नहीं होगा ना कोई बूट कैम्प बनाने का। ठीक है सोलो बनेगा गाइस, नेक्स्ट सोलो बनाते हैं, आप लोग जब तक स्ट्रीम पे जुड़े रहोगे भाई रूम बनते रहेंगे। अनुभव अग्रवाल वेलकम टू द स्ट्रीम बॉय, तो
एनएम यूडी ने नॉक करा, फिनिश करेंगे, 5-6 किल निकाल चुकी है टीम। आखिरी बंदा एजेंट P60 जो ऊपर मौजूद है, एंड वैनम रेस ने फिनिश किया। इसके बाद किल की अगर मैं बात करता हूँ, 7 किल यहाँ पे वैनम एरवर की टीम 1, नॉट शरीफ 6 किल, RDA का स्क्वाड 4, तो 4-4 किल 6-6 किल यहाँ पे लोगों के थे। तो सोलो बनाते नेक्स्ट गाइस गाइस गाइस, रूम आईडी कमिंग, ज्वाइन फास्ट। थैंक यू गाइस, यहाँ पर समीर को भी बोल दीजिए सभी लोग, समीर सर हमारे लिए बैक टू बैक रूम बना रहे हैं, संडे के दिन भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो समीर सर को भी थैंक यू बोल दीजिए यहाँ पर सभी लोग स्ट्रीम पे। थैंक यू समीर सर को बोल दो, सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरी यार, समीर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, संडे के दिन भी हम लोग संडे को कस्टम नहीं करवाते हैं, फिर भी यहाँ पर समीर सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये लास्ट मैच होगा, लास्ट मैच होगा क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी है समीर सर की भी। भाई लास्ट मैच ऑफ द डे गाइस, क्योंकि बैटरी डेड हो चुकी है। इसके बाद गेम प्ले खेलेंगे गाइस, गेम प्ले। लास्ट मैच ऑफ द डे गाइस, प्राइस पूल ऑलरेडी जो है मेंशन किया हुआ हम लोगों ने, एक और मैं फिर से प्राइस है जो वो यहाँ पर डाल देता हूँ। डू में यार 12 के लिए रखेंगे, 12 प्लस नहीं रखेंगे, एक काम करेंगे 11 प्लस रख देंगे डू में, या तो दो बंदे यहाँ पर यूसी जीते गाइस, वो कांटेक्ट कर लेना हमको व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड में, इंस्टाग्राम कहीं भी कर सकते हो आप। भाई 15 लोग हैं सिर्फ, उनके सूरज के फोन में बैटरी भी 2% है यहाँ पर। अट्ठारह लोग जुड़ चुके हैं, देखो 20 प्लस होते ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि फोन पे उनके बैटरी नहीं है तो वो मैच स्टार्ट नहीं करवाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए जल्दी करवाना पड़ेगा। लूट बड़ा भैया, गन नहीं मिलेगी, लूट 3x करी तो भैया, नहीं है क्या 3x? अरे रुको, मैं लूट बढ़ाने को बोला था इसको, बनवाओ भाई बनवाओ गाइस। 18 ही लोग ज्वाइन किए देखो, इसलिए मेरे को फिर अगर कम लोग होते ना तो फिर मजा नहीं आएगा। रूम आईडी बन चुकी है गाइस ऑलरेडी, आप ज्वाइन करो फटाफट। भाई बंदे ही नहीं आ रहे देखो, फिर क्या ऐसे में क्या मैच करवाएंगे बताओ। बीस होते ही स्टार्ट कर दूंगा, बीस होते ही स्टार्ट कर देंगे गाइस। भाई बंदे बढ़ने की जगह कम हो रहे हैं,
भाई वही तो मैंने बोला ना, बंदे नहीं आ रहे, इसीलिए तो फिर रूम बनाने का मन नहीं करता यार। देखो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं अपने एंड से, फिर भी बंदे ज्वाइन नहीं करते हैं। हम लोग यूसी भी दे रहे हैं, हम लोग रूम बना रहे बैक टू बैक संडे के दिन भी, बट फिर भी बंदे नहीं आ रहे, अब क्या करें बताओ। एटलीस्ट 20 हो जाएंगे तो स्टार्ट कर देंगे, या 2:43 में स्टार्ट। 2 मिनट का टाइम और देता हूँ, 2 मिनट का टाइम और। लूट बढ़ा दिए गाइस, 3x लूट हो गई है। ओके 2 मिनट का टाइम और देंगे भाई, 2 मिनट में मैच को स्टार्ट कर देंगे। टू फोर्टी थ्री में स्टार्ट कर देंगे फिर जितने भी लोग आएंगे, क्योंकि ज्यादा फिर वेट नहीं कर सकते ना यार। बैटरी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला उसकी 2% बैटरी, बंद हो गया फोन तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं ब्रो टारगेट तो सेम ही रहेगा भाई, देखो बंदे अगर नहीं आएंगे ज्यादा। ओपन है? हाँ यस अंजलि, यस ओपन है। टारगेट तो सेम रहेगा ब्रो, देखो अगर बंदे नहीं आते, हम लोग का टारगेट हम सब सेम ही रखते हैं, 20 बंदे भी अगर आते फिर भी टारगेट सेम ही रहेगा। अगर 20 से कम है तो ठीक है, 5+6 किल यानी 6 किल में कर लेंगे। अगर 20 से कम बंदे होते हैं तो 6 किल में प्राइस दे देंगे, बट 6 से कम में नहीं, 6 से कम में नहीं देंगे अगर 20 20 बंदे नहीं होते हैं तो। अगर 20 बंदे हो जाते तो 7 किल ही रहेगा, 20 बंदे तो आ जाएंगे ब्रो, मैं बोल रहा हूँ ना, 20+ बंदे आने में 7 किल इजी हो सकते हैं। पांच वेट फिर आऊंगी। अरे इतना टाइम नहीं अंजलि, ये बस मैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बैटरी नहीं है फोन में, ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में अगर आ सकते हो तो आ जाओ, 5 मिनट में नहीं वेट रुकोगा। दो तैतालीस हो चुका है वैसे, बस 45 में स्टार्ट कर दूं, सोच रहा हूँ 1 मिनट रुको। अरे वो मेरा मेरा नहीं फोन है भाई, मैं रूम नहीं बना रहा हूँ ना, रूम बनाने वाला कोई और है, उसका उसका फोन डेड हो चुका है। रूम बनाने वाला देखो तुमको दिखेगा ही नहीं। ओके एक बंदा और आते स्टार्ट कर देंगे फुल रूम माम। पबजी ओपन 2 मिनट नहीं लगते पबजी ओपन होने में यार, पबजी तो 10 सेकंड में ओपन हो जाता है। जल्दी आ जाओ, लास्ट मैच है, ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम लोग, 22 लोग हो चुके हैं। चलो गाइस अब कोई नहीं है, बाईस हो चुके हैं गाइस, 22 हो चुके हैं, बस 7 किल करने पड़ेंगे अब आपको, कोई इसमें छूट नहीं मिलेगी भाई। 45 में स्टार्ट करने को बोल दिया मैंने, जितने भी हो मैंने बोल दिया 45 में कर देना। गाइस जल्दी आ जाओ, जल्दी ज्वाइन करो यार, 21 लोग हो चुके हैं, स्टार्ट कर दो। नफीस खान ब्रो 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट में स्टार्ट कर देंगे।
ओके गाइस, बोल दिया स्टार्ट करने को, स्टार्ट करने को बोल चुका हूं मैं, स्टार्ट हो जाएगा। काफी वेट कर लिया यार, जिसका करना था अब नहीं आया कोई, तो नहीं आया। मैं स्टार्ट करने को ऑलरेडी बोल चुका हूं एंड मैच स्टार्ट हो चुका है। बूम बाम गाइस, भाई आरडीए राहुल ओपी हैकर है। नफीस खान ब्रो प्रूफ दे दो, हम मान लेंगे। आपके पास प्रूफ है किसी के अगेंस्ट तो हमको प्रूफ दे दो, बट बिना प्रूफ के अगर आप किसी को हैकर तो आपको बैन कर दिया जाएगा रूम से। क्या इस मैच पे हमको एक और विनर देखने को मिलेगा यहाँ पर गाइस? दो विनर हमारे पे ऑलरेडी आ चुके हैं राहुल ओपी के, तीन बंदे यहाँ पर सामने तो रहने में, क्रॉड को गन मिल चुकी है, बैरल डाउन करने की कोशिश करेंगे M16 से, लेकिन यहाँ पर पिटे गए जैरी के हत्ते भाई, खराब लगा बैरल से। यहाँ पे वैनम यूडी ने अपना किल निकाला, एक एक किल यहाँ पर दोनों बंदे लेते हुए। FTG के 30 को डाउन कर दिया गया, यहाँ पर ड्रोन भी लेंगे भाई, मस्त एकदम। जेरी ने भटूरा ओपी को डाउन किया, यार पूरा व्यू देखो गाइस कितने दूर दूर है बंदे। वैनम यूडी के सामने जेरी है, जेरी को डाउन किया वैनम यूडी, गोयल पीछे से आते हुए 110 स्टंप भी यहाँ पर मौजूद है। लीजेंड के धीरज ओपी, राहुल ओपी सामने है, राहुल ओपी को फिनिश किया लीजेंड के धीरज ओपी ने। यार ये मैच किल की मैं बात करता हूँ, वैनम यूडी को फिनिश किया मिस्टर गोयल ने, 8 ही रुपए में लीजेंड धीरज को डाउन किया एंड यहाँ पर 10 बंदे अलाइव बचे भाई, इतने जल्दी मर गए सब। मिस्टर गोयल ये इकलौते 2 किल वाले, बाकी सारे बंदे डेड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई इसके बाद हम लोग गेम प्ले खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे कस्टम वो क्लासिक मैच। नेक्स्ट नहीं होगा अंजलि, जिसकी जो रूम बनाता था उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, अब सिर्फ क्लासिक मैच होंगे। लोकेश के भी 2 किल हो चुके हैं, सामने यहाँ पर स्पॉट करेंगे, बढ़िया यार। यहाँ पर पीछे देखिए सीहोर ने मारा है, सॉरी यहाँ पर जीजे यार के मैवरिक ओपी अचानक से आगे बढ़ते, बट ये मैच में कोई नहीं ले जा पाएगा क्योंकि 2-2 किल वाले बहुत बंदे हो गए इस मैच में, बहुत बंदों ने 2 किल मारे। 3 किल वाले जहरी भी थे यहाँ पर, 2 किल वाले लोकेश, 2 किल वाले वैनम यूडी, 2 किल वाले लीजन धीरज, 2-2 किल वाले काफी बंदे थे। तो यार जब ऐसा होता है तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कि कोई जीतेगा, किल का बंटवारा हो जाता है यहाँ पर। ये क्या जोन है भाई, भटूरा सर क्या हो गया? मैं बनाऊ रूम? अरे नहीं अब नहीं रूम बना सकते ना, बंदे आ नहीं रहे, फुल रूम हो नहीं रहा, फायदा नहीं है। लीजेंड की स्वीटी बची हुई है, मैवरिक ओपी बची हुई है, नॉट शरीफ अभी तक बचे हुए हैं, रोहित सक्टेन, अजीब सा नाम है भाई थोड़ा, लेकिन कोई नहीं। इसके बाद हम लोग अब क्लासिक खेलते हैं बूम बाम, थोड़ा सा हम भी खेल लेते हैं यार। हैकर बोल दिया, कोई नहीं ब्रो, अगर आप हैकर बोल रहे हो हमको प्रूफ दे दो, अगर हमें लगा कि हैकर है तो ठीक है। गाइस अभी मैं जब क्लासिक खेलूंगा मेरे को सिर्फ इतना कंफर्म करवा देना कि मेरा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे अरे ओके ओके ब्रो चिल। तो गाइस ये मैच कोई निकालेगा, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अभी स्ट्रीम जब करूंगा मैच खेलूंगा तो मेरे को सिर्फ इतना बता देना कि मेरा साउंड स्ट्रीम पे भी आ रहा है या टीममेट्स को आ रहा है, वो दोनों देखना है मेरे को। ये
मैवरिक और स्वीटी दोनों अगर लड़के हैं तो भाई 1v1 की सिचुएशन होगी दोनों के लिए। लेफ्ट साइड पे है स्वीटी को देखना होगा, यहाँ पे डीपी विथ शॉर्ट गन है, यहाँ पर क्या डीपी से दबा दब यहाँ पर शॉर्ट पड़ सकते हैं, या शॉर्ट गन मुंह पे चिपकाई जा सकती है, या मैवरिक अपनी M4 के साथ यहाँ पर स्वीटी का खात्मा करेगी, देखना होगा। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैच होता हुआ दो ग्रिल गेमर के, इसमें भी नहीं हुआ पूरा टारगेट। यूसी के लिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ यूसी के लिए अर्पित को मैं बोल दूंगा, अर्पित आपको यूसी दे देगा। मैं तो अभी गेम खेलूंगा तो मैं, या तो आप डिस्कॉर्ड पे टैग कर दीजिए मैं बोल दूंगा। कैरेक्टर आईडी दे देना, वो आपको यूसी दे देगा मेरे को कैरेक्टर आईडी। एक काम करो स्ट्रीम पे टाइप कर दो, स्ट्रीम में करेक्ट आईडी टाइप कर दो, मैं बोल दूंगा उसको यूसी भेजने को। भाई दो ग्रिल गेम यहाँ पे फिट रही है, करेक्टर आईडी टाइप कर दो राहुल ब्रो। अरे नहीं करेक्टर आईडी टाइप करो यार, वैसे सही रहता भाई, नाम से कंफ्यूज दिक्कत हो जाती है। करेक्टर आईडी टाइप करोगे तो यहाँ पर स्वीटी को स्पॉट करा, दो बुलेट दी M4 के, अंदर चुप गई स्वीटी। मैवरिक को भी देखते थोड़ी देर M4 के साथ बढ़ती हुई यहाँ से सामने डीपी का स्प्रे आता हुआ। करेक्टर आईडी को दो बेटर रहेगा, इसके साथ यहाँ पर मैवरिक ने ये मैच खत्म करा विद 4 किल्स, और कोई भी यहाँ पर टारगेट पूरा नहीं कर पाया, दो दो किल मार दिए 3-4 लॉन्डो ने, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ओके ओके ब्रो ठीक है, 60+9 यूसी आपको मिल जाएगी। एंड अब हम लोग बढ़ेंगे गाइस मैच की तरफ को, पहला मैच खेलेंगे यार हमेशा एक बोनस चैलेंज खेलता हूँ यार भाई, बोनस चैलेंज रुको पैसा कमाते हैं, अब जितना पैसा जुटा दियो कमाने का वक्त आ चुका है। आपको मिल जाएगी यूसी ब्रो थोड़ी देर में, मैंने बंदे को भेज दिया है। एंड ए बोनस चैलेंज नहीं, एक टीम नॉर्मल टीम खेल लेते हैं उसके बाद हम लोग खेलेंगे। मेरी साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, बस ये बता देना मेरे को अगर वो गन साउंड आ रहा नहीं है, वो चीज़ें जो भी होती सब बता देना। अबे ये क्या ग्लिच है भाई, एयरफोन लगा के भी साउंड नहीं आ रहा है लोल। यूसी मिल जाएगी ब्रो, यूसी की टेंशन मत लो। एक मेरा जो टाइटल है ना, मैं कल से उस टाइटल के पीछे पड़ा हूँ भाई, वो टाइटल हटाऊंगा नहीं मैं। टाइटल देख लो गाइस, ओपी टाइटल। टीम मैच लेट्स गो, रीलोडिंग फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। अबे दो तो छुपे हुए थे अनमोल भाई, अब मैच नहीं होंगे भाई, बहुत मैच करवा लिए भाई, 7-8 मैच हो चुके ऑलरेडी। और मैचेस नहीं होंगे, अरे यार ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है ऊपर से, अबे मरा कैसे नहीं लोल। अरे रुको यार, यार मेरे आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई गाइस। मेरी आंख में कुछ मतलब कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। मैं आ रहा हूँ,
ओके। अबे यार ये नोटिफिकेशन बंद ही किए हुए थे भाई। अबे ये क्या हो गया? अरे मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, मेरी एक आंख में प्रॉब्लम हो रखी है, कुछ मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ भाई यार। अच्छा वो बोना चैनल नहीं खेला अभी। इतना घटिया गेम आज तक नहीं खेला जिंदगी में, आज खेल रहा हूँ। दिन का पहला गेम ऐसा ही जाते हैं। अबे कैसे बढ़ जाती कवर मारने के बाद भी। अर्पित का मैसेज आया कि मैं भी आ रहा हूँ गाइज। अगर यहां मर गया ना मैं तो खेलना ही बेकार है साला। भाई कहां कैसे? अरे कोई नहीं, पहला मैच हमेशा ऐसा ही भूस होता है। अबे हट, अरे पहला पहला सुबह का जब गेम होता है ना चोदी है बे। कोई नहीं, पहला मैच आ रहे, मजा आया। बहुत ही घटिया खेला मैंने ये मैच। तभी मैं टीममेट से बात करूंगा गाइस, मेरे को इसे भी बता देना आप कि मेरे को मतलब मेरा साउंड स्ट्रीम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ वो बता देना भाई। उल्टे नाम का कौन? अबे लोल बे भाई, लैपटॉप बंद हो गया बे। हेलो आवाज आ रही मेरी? हेलो 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 भाई, नई स्ट्रीम तो चालू नहीं हो गई कहीं? अबे भाई क्या नई स्ट्रीम चालू हो गई? बिल्कुल भाई नई स्ट्रीम चालू हो गई मेरे को लग रहा है, और ये प्रॉब्लम हो गई। अब मेरे को ये बंद करनी होगी स्ट्रीम। भाई 60 FPS चलते I need a weapon. Team match, let's go. ओ भाई तीन तो नेड मुके मेरे। ओ भाई কি করে 4টা মেরে দিল রে বাবা, চালা মারা। ও বাবা এখানে নিচে বসে আছে, মাত্র সুপার মানি ভাই তো। হ্যাঁ ব্যাক কিতনো করু হাট ভাই, 1 মিনিট রুকো গাইস, মে কো স্ট্রিম अगर ये दोबारा स्टार्ट होती तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि फायदा नहीं है इस स्ट्रीम का कोई। কি করে মনে হবে মাছ বেরিয়েছে, প্রবলেম হচ্ছে জানিস, করতেছে আমার।
एक मिनट रुक जाऊं। ठीक 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 हो गया। पीछे देखते हैं। ओके तो स्टार्ट करेंगे गाइस मैच एक दो मिनट पे। कोई नहीं लिविक खेल लेता हूँ गाइस एक। हेलो 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 आवाज आ रही मेरी? भाई कवर देना एक नंबर भाई। आजा भाई क्या करते हैं
भाई लास्ट था बे, हट यार। भाई पहले आ जाते तो हो जाता काम यार, लास्ट बंदा था। वर्तिका अच्छा नहीं गया तू मार के। अबे किल ही नहीं मिला मेरे को, लोल दो नॉक किए थे मैंने फिर भी। यार पे साइड तक नहीं मिलता ये हेडशॉट। भाई ये क्या बकचोदी है, मैंने तीन मतलब मैं मर जाऊंगा तो मेरे को किल नहीं मिलते है क्या, ऐसा होता है? भाई किल क्यों नहीं मिला मेरे को समझ नहीं आया। अबे घोल चाचा बकचोदी नहीं करो, ये बताओ किल क्यों नहीं मिला मेरे को। भाई क्या बीटी है भाई, तीन नॉक करे थे मैं, दो नॉक तीन नॉक करे थे मेरे को, नीचे वाले का भी किल नहीं मिला, साला ऊपर वाले के भी दो किल नहीं मिले।